चौथे चरण में तेलंगाना में 17, आंध्र प्रदेश में 25, यूपी में 13, बिहार में 5, झारखंड में 4, मध्य प्रदेश में 8, महाराष्ट्र में 11, ओडिशा में 4, पश्चिम बंगाल में 8 और जम्मू और कश्मीर में 1 लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहा है। आज के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने 8,73,00,000 महिलाओं समेत कुल 17,70,00,000 से ज्यादा मतदाताओं की सुविधा के लिए 19,00,000 से ज्यादा चुनाव अधिकारियों की तैनाती की है। चुनाव पर निगरानी के लिए 364 ऑब्जर्वर और 4,661 उड़न दस्ते हैं। इनके अलावा 4,438 स्टैटिक सर्विलांस टीम भी चुनावी क्षेत्र में होगी। देश में पहले तीन चरणों में मतदान हो चुके हैं। पहले तीन चरणों की बात करें तो पहले चरण में मतदान प्रतिशत 66.14%, दूसरे चरण में 66.71% और तीसरे चरण में 65.68% रहा। मौसम विज्ञान की भविष्यवाणी के मुताबिक कई इलाकों में भीषण गर्मी का अनुमान है। इसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पानी, शेड और पंखे जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की है। आज आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों के लिए हो रही है वोटिंग। तेलंगाना की भी सभी 17 सीटों पर मतदान जारी। आज यूपी के फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज, शाहजहांपुर, खीरी, धरोहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच सीटों पर हो रहा है मतदान। बिहार के दरभंगा, उजियारपुर, बेगूसराय, मुंगेर, समस्तीपुर में चुनाव हो रहा है। झारखंड के सिंहभूम, पलामू, खूंटी, इसके अलावा लोहरदगा में भी वोटिंग। मध्य प्रदेश में आज देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, खरगोन, खंडवा, धार में मतदान हो रहे हैं। ओडिशा के कालाहांडी, नवरंगपुर, बहरामपुर, कोरापुट और कई सीटों पर लोकसभा की आज मतदान शुरू हो चुका है। आज महाराष्ट्र के नंदुरबार, जलगांव, रावेर, जालना, मावल, पुणे, शिरूर, अहमदनगर, शिरडी, बीड, औरंगाबाद में वोटिंग, जबकि पश्चिम बंगाल के वर्धमान, दुर्गापुर, बहरामपुर, कृष्णानगर, आसनसोल, राणाघाट, बर्धमान, पूर्व साथ ही साथ बोलपुर, बीरभूम में वोटिंग।